हेलो एवरीवन, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कंसाइनमेंट का बेसिक पार्ट कि कंसाइनमेंट होता क्या है, और हमने डिस्कस किया था कि जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफ़र करता है कॉस्ट प्राइस पे, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। और हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी, जो कंसाइनर है वो अपने कंसाइनी को दो तरह से ट्रांसफ़र्स कर सकता है। ट्रांसफर्स आइदर एट द कॉस्ट प्राइस, जिसका हमने मतलब लिखा था कि जिस प्राइस पे कंसाइनर ने खरीदा है सामान, उसी प्राइस पे अगर वो आगे अपने कंसाइनी को ट्रांसफर कर देता है तो सच ट्रांसफर्स आदि ट्रांसफर्स एट कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी, ट्रांसफर्स एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या था कि जब जितनी प्राइस में कंसाइनर ने सामान को खरीदा है, अगर उसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो ऐड करता है और आगे फिर अपने कंसाइनी को ट्रांसफर करता है गुड्स, ऐसे ट्रांसफर्स को हम बोल देते हैं ट्रांसफर्स एट द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द कंसाइनर टू हिज कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस पे अगर वो ट्रांसफर करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से हमें करके दिखानी है, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी हमने डिस्कस किया है कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है। इनवॉइस प्राइस इज आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं कि इनवॉइस प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एडेड टू दैट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है और आपको इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड जो भी कॉस्ट प्रॉफिट्स वगैरह की कैलकुलेशन करनी है, इन केसेस से आपको हमेशा वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पहला केस लिखता हूं। ठीक है, केस नंबर वन, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 100 रुपीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन गिवन है तो ये मैं केसेस सिर्फ आपको कॉस्ट प्रॉफिट आईपी इन कैलकुलेशन से थोड़ा फेमिलियर करने के लिए ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो पहला केस मैंने लिखा है, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 100 रुपीज का, प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और आपको पूछा गया है कि इस कॉस्ट में कितना प्रॉफिट होगा वो आपने बताना है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट किस चीज पे दिया गया है और जो गिवन वैल्यू है वो क्या चीज है। ठीक है, दो पैरामीटर्स हमेशा आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो उस केस में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जिस चीज पे प्रॉफिट गिवन है और जो गिवन वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन है, कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस है, उसको आपने ध्यान रखना है। अगर ये दोनों पैरामीटर्स सेम है, अब डायरेक्टली अप्लाई द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, 20% ऑन कॉस्ट बोला है तो 100 रुपीज की कॉस्ट है उसका 20%, तो इसका मतलब 20 रुपीज मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज, कॉस्ट प्राइस गिवन था, कॉस्ट पे प्रॉफिट था, तो डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया है और मेरे प्रॉफिट की वैल्यू यहां पर हमने कैलकुलेट कर दी है। ठीक है जी, ऐसे ही हम अब केस नंबर टू डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस नंबर टू में लिख लेते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है से 100 रुपीज, प्रॉफिट हमें दिया गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने चेंज किया है केस नंबर वन से, वहां पर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया गया था, यहां जो आपको प्रॉफिट गिवन है दैट इज 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। मैंने अभी आपको समझाया है कि आपने कौन से दो पैरामीटर्स चेक करने, गिवन वैल्यू एंड द प्रॉफिट जिस चीज पे वो दिया गया है, दोनों पैरामीटर सेम है, अप्लाई द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यू, डिफरेंट होंगे तो आपको इसको इक्वेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जो गिवन प्राइस है दैट इज द कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट दिया गया है दैट इज ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो इसका मतलब हम 20% ऑफ 100 अप्लाई करके तो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको इक्वेट करते हैं। इसको इक्वेट कैसे करना है, एक्स से अगर आपको इजी लगता है एक्स से कर सकते हैं, 100 से इजी लगता है आप 100 से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूं। तो जिस चीज पे प्रॉफिट गिवन है उसको एक्स या 100 मान लीजिए, तो लेट इनवॉइस प्राइस भी से फॉर एग्जांपल 100। अब 100 इनवॉइस प्राइस मैंने लिया है, प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस पे है, तो प्रॉफिट अप्लाई किया जा सकता है, प्रॉफिट 20% ऑफ 100 हो जाएगा, दैट इज 20। हमने फॉर्मूला लिखा है आईपी इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आईपी में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी तो कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो यहां से इक्वेट करते हैं कि हमारी प्रॉफिट की वैल्यू किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे।
अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, निकालना हमें क्या है, प्रॉफिट है। तो यूनिटरी कहता है कि जो भी चीज आपने कैलकुलेट करनी है उसको राइट साइड पर रखिए, जो आपने जो आपको गिवन है वैल्यू उसको हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं। तो कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट निकालना है, तो 80 की कॉस्ट प्राइस मुझे 20 का प्रॉफिट देती है, ठीक है, इसी यूनिटरी के अकॉर्डिंग चलें। तो 80 रुपीज अगर मेरी कॉस्ट प्राइस होती है तो आई अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, और मेरी इनवॉइस प्राइस की वैल्यू बन जाएगी 100 प्लस 25, दैट इज 125, ठीक है। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि वैल्यू ऑफ प्रॉफिट किस चीज पे दिया गया है और जो गिवन वैल्यू है वो क्या चीज है। सेम है, अप्लाई द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, डिफरेंट है तो आपको इक्वेट करके दिखाना होगा, ठीक है। तो कई लोगों को एक्स ईजी लगता है, मैं वो भी समझा देता हूं। तो अगर आप एक्स से करना चाहते हैं तो लेट इनवॉइस प्राइस भी एक्स हो जाएगा, प्रॉफिट 20% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 0.2x। तो मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईपी में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। तो 0.8x किसको रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्राइस, दैट इज 100 रुपीज को। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 0.8, दैट इज इक्वल टू 125। तो x इसका मतलब आईपी हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो उसका आप उसकी वैल्यू को यहां डालेंगे तो आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। या आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, इनवॉइस प्राइस इज 125, कॉस्ट इज 100, तो डिफरेंस 25 वो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहला केस प्रॉफिट कॉस्ट पे था, गिवन भी कॉस्ट प्राइस थी। दूसरा केस हमने लिखा है कि हमें गिवन कॉस्ट प्राइस थी, प्रॉफिट हमें आईपी पे दिया गया था। ऐसे ही मैं केस नंबर 3 लिखता हूं, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं मुझे आईपी गिवन है से 100 रुपीज और प्रॉफिट दिया गया है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो दो चीजें हमें गिवन है, इनवॉइस प्राइस गिवन है 100 रुपीज और प्रॉफिट दिया गया है 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा। दो चीजें चेक करनी है, गिवन क्या है, इनवॉइस प्राइस, प्रॉफिट किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे। दोनों पैरामीटर सेम है, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 का 20%, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज, ठीक है। जैसे यहाँ कॉस्ट और कॉस्ट था, यहाँ आईपी और आईपी है, तो इसका 100 की आईपी पे 20 का प्रॉफिट है, तो 80 रुपीज मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है जी। सिंपल सा केस था। ऐसे एक लास्ट केस करते हैं, केस नंबर 4। आपको गिवन है कि इनवॉइस प्राइस से रुपीज 100, प्रॉफिट आपको दिया गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। गिवन वैल्यू इनवॉइस प्राइस, प्रॉफिट इज गिवन ऑन द कॉस्ट प्राइस, दोनों पैरामीटर्स डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली तो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इक्वेट करना पड़ेगा x से 100, जैसे भी आपको इजी लगता है। किस चीज को 100 x मानना है, जिस चीज पे प्रॉफिट दिया गया है। तो लेट कॉस्ट बी से 100 रुपीज, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 100, 20 रुपीज। तो मेरी इनवॉइस प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 120 रुपीज, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे पास गिवन क्या है, इनवॉइस प्राइस, निकालना क्या है, प्रॉफिट। तो आईपी गिवन है, प्रॉफिट निकालना है। तो 120 का आईपी मुझे 20 का प्रॉफिट अर्न करके देता है, तो 100 रुपीज का आईपी मुझे कितना प्रॉफिट देगा, 20 बाय 120 ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 16.66 रुपीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो 16.66 रुपीज ये हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो कॉस्ट निकालनी है, 100 माइनस प्रॉफिट कर दीजिए, वो आपकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। एक्स से करना, एक्स से करके देख लीजिएगा। तो हम एक्स मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, प्रॉफिट 20% ऑफ एक्स हो जाएगा और मेरी इनवॉइस प्राइस की वैल्यू 1.2x हो जाएगी। अब 1.2x किसको रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज द इनवॉइस प्राइस विच इज द वैल्यू ऑफ 100। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये कॉस्ट निकली है, ये आईपी है, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार केसेस आप एक बार ध्यान से इसको कर लेंगे तो कभी भी आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसके आगे पीछे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये चार केसेस के ऊपर ये प्रॉफिट्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन पूछी जा सकती है,
इसको ध्यान से अगर आपने समझ लिया तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा कंसेप्ट हमने अभी बेसिक डिस्कस किया है कि जो गिवन प्राइसेस हैं उसके ऊपर हमने प्रॉफिट्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो एक अब अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उस फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा और बाकी प्रॉफिट लॉसेस किस तरह से कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। चले तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसी को यूज करते हुए एक पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको गिवन है ₹45,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर इनवॉइस्ड बाय ए ऑफ कोलकाता टू सी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है कंसाइनर, एक होता है आपका कंसाइनी। तो यह कंसाइनर का नाम क्या है, वो कहता है ए ऑफ, ठीक है, आपको गिवन है ए ऑफ कोलकाता, वो आपका कंसाइनर है, और मिस्टर सी ऑफ चंडीगढ़ जिसको सामान भेजा गया है वो आपका कंसाइनी हो जाएगा। तो कंसाइनर ने क्या किया है, ₹45,000 वर्थ ऑफ गुड्स ट्रांसफर किए हैं अपने कंसाइनी को। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, ₹45,000 वर्थ ऑफ गुड्स, वर्थ से आपको क्या समझ आता है, वर्थ रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट प्राइस और द इनवॉइस प्राइस। बिल्कुल ठीक जी, वर्थ का मतलब होता है दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट आपको गिवन है कि उसने 45,000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस का सामान अपने कंसाइनी को फर्दर आगे ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था वो यूनिट से रिलेट करता था, यहाँ आपको यूनिट्स नहीं गिवन है, डायरेक्टली वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो वैल्यूज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशंस हमें करके दिखानी होती हैं, यूनिट्स वाला थोड़ा इजीली हम कर पाते हैं। चले तो मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन, वो कहता है 45,000 का जो सामान ट्रांसफर किया था इसमें उसने 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस को ऐड किया था। ठीक है, तो इसने प्रॉफिट कितना ऐड किया था, इसमें प्रॉफिट उसने ऐड किया था 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट सबसे पहली चीज ये करते हैं कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी, अभी हमने केसेस डिस्कस किए थे उसमें से देख लेते हैं। ये आपने बोला ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, जो 45,000 है ये कॉस्ट प्राइस है, और जो प्रॉफिट दिया गया है इनवॉइस प्राइस पे गिवन है। तो पहली चीज तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मुझे इक्वेट करना होगा, तो इक्वेट करते हैं। आईपी को 100 ले लेते हैं, ठीक है, आईपी की वैल्यू को 100 डाल देते हैं क्योंकि उस चीज पे प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट इज 20% ऑफ 100, दैट इज ₹20 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, आईपी माइनस प्रॉफिट, तो मेरी ₹80 की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। अब इक्वेट कर लेते हैं, कॉस्ट गिवन है प्रॉफिट निकालना है, तो 80 की कॉस्ट मुझे 20 का प्रॉफिट देती है, तो 45,000 की कॉस्ट मुझे कितने का प्रॉफिट देगी, 45,000 है 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 45,000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वैल्यू आनी चाहिए है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है दिस इज इक्वल टू 11250। ठीक है, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है कि 45,000 में कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसने जोड़ा है, दैट इज 11250। तो टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी, इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐड करते हैं 56250, ये हमारी टोटल इनवॉइस प्राइस जो सामान भेजा गया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो भी चीजें रेलिवेंट थी वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूं, वो कहता है द इनवॉइस प्राइस इज कवर्ड अप टू 50% बाय द एडवांस बाय द कंसाइनी। ठीक है, वो कहता है जो भी इनवॉइस प्राइस है उसका 50% तो कवर किया गया है एज एन एडवांस बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं किस तरह से इसकी कैलकुलेशन को हमें इंक्लूड करना है। वो कहता है सी दत्ता इज टू गेट अ कमीशन 5% ऑन सेल्स। ठीक है, तो जब भी कमीशन के बारे में नहीं बताया, सिर्फ परसेंटेज गिवन है, तो ये नॉर्मल कमीशन ट्रीट कर ली जाती है। ठीक है, एंड 2.5% आपको बोला गया है कि उसको डेल क्रेडिट कमीशन भी दी गई है। 80% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 57,000। ठीक है, जो भी उसको गुड्स ट्रांसफर किए गए थे उसमें से आपको गिवन है कि 80% उसने सामान बेच दिया था फॉर ₹57,000, जिसमें से कहता है 300 वर प्रूव्ड बैड। तो इसका मतलब जो 300 की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज द वैल्यू फॉर बैड डेट्स, उसको देखते हैं आगे कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद गिवन है एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर वर 3,000 एंड दैट ऑफ द कंसाइनी वर 1,500 इंक्लूडिंग 450 एज सेलिंग एक्सपेंसेस। द अकाउंट वॉज सेटल्ड बाय द कैश पेमेंट बाय द कंसाइनी, मेक द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर के बुक्स में जो भी नेसेसरी अकाउंट्स बनने चाहिए हैं वो मुझे यहाँ पर बना के दिखाने हैं।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट अकाउंट जो मुझे प्रिपेयर करना होता है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर की बुक्स में जो फर्स्ट अकाउंट हमें बनाना है दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपको ध्यान हो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, पहली एंट्री क्या होती है, जो भी सामान ट्रांसफर किया जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड। मैंने आपको लिखवाया था अगर कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन होगा तो कॉस्ट प्राइस से एंट्री डाली जाएगी, अगर इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन होगा तो यहां पर ये वाली एंट्री इनवॉइस प्राइस पर डाल दी जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस के बारे में बोला गया है तो ये एंट्री हम इनवॉइस प्राइस पे इंक्लूड कर देते हैं। और इनवॉइस प्राइस हमने कितना कैलकुलेट किया था, 56250, तो ये एंट्री हम यहां पर इंक्लूड करके दिखा देते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे क्वेश्चन अगर आपको गिवन होता है तो यही एंट्री हम इंक्लूड करके दिखा देते हैं। अगर इनवॉइस प्राइस पे हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है तो एक एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग आपको डालनी होगी, इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो मुझे कैंसल आउट करना है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कंसाइनर ने ही ये प्रॉफिट जोड़ा है और कंसाइनर ही इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, तो एक्चुअली दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये तो सिर्फ उसने कंसाइनमेंट जो ट्रांसफर की है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसको कैंसिल ऑफ करते हैं, इसमें से माइनस नहीं करेंगे, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री को इंक्लूड कर देते हैं। तो बाय गुड्स सेंट विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, या जिसको हम एक टर्म यूज करेंगे लोडिंग अकाउंट। ठीक है, लोडिंग या प्रॉफिट की वैल्यू जितनी भी इस 56250 में है उसकी एंट्री हमने क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करके इसमें से जो भी प्रॉफिट बनता है उसको कैंसिल ऑफ कर देना है। हमने प्रॉफिट निकाला था इस 56250 में, कितना प्रॉफिट है, 11250 का, तो 11250 जो हमने प्रॉफिट निकाला था उसको क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा देते हैं। ठीक है जी, चले, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाती है। सेकेंड एंट्री अगर आपको ध्यान हो, हमने एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर की डाली थी कि जो भी कंसाइनर है अगर वो कंसाइनी को ट्रांसफर करता है सामान और ट्रांसफर करने पे जो भी एक्सपेंसेस वो पे करता है उसकी एंट्री भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दी जाती है, जिसकी एंट्री हमने क्या डिस्कस की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो देखते हैं क्वेश्चन में कंसाइनर के एक्सपेंसेस क्या दिए गए हैं। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस आपको बोले गए थे, कंसाइनर एक्सपेंसेस वर 3000 रुपीज। ठीक है, तो 3000 से ये एंट्री हम इंक्लूड करके दिखा देते हैं। उसके बाद कंसाइनी सामान रिसीव करता था और वो भी कुछ एक्सपेंसेस इंकर करता था, जिसकी एंट्री हमने क्या लिखी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। अब कंसाइनी का नाम क्या है, सी, तो सीज अकाउंट लिख देते हैं, किस लिए, फॉर कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके एक्सपेंसेस में आपको क्या दिया गया है, आपको क्या बने, टोटल 1500 थे जिसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 450 रुपीज के, तो सेलिंग एक्सपेंसेस 450 कर देते हैं, अदर एक्सपेंसेस हम बोल देते हैं 1050, तो टोटल आपको वैल्यू गिवन है दैट इज 1500 रुपीज। ठीक है, कि 1500 का उसने खर्चा किया था जिसमें से 450 वर दी सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने बाकी अदर एक्सपेंसेस का नाम से लिख के टोटल 1500 को सेग्रीगेट कर दिया है। ठीक है जी, आगे आपको गिवन है कि 80% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय द कंसाइनी। ठीक है, 80% ऑफ द गुड्स, वो कहता है जो भी कंसाइनी ने रिसीव किए थे उसको बेच दिया है कंसाइनी ने, तो उसको कितना टोटल सामान ट्रांसफर किया गया था, 56250 का। ठीक है, हमने यहां पर भी लिखा था टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 56250, इसमें से सेल्स कितनी की है कंसाइनी ने, दैट इज 80% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट, तो 56250 उसका 80%, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आती है, दिस इज 56250 इंटू 80%, ये हमारी वैल्यू आ जाती है दैट इज 45000 रुपीज। तो इसका मतलब है 45000 का सामान कंसाइनी ने सेल ऑफ कर दिया है, इसने और देखें कोई और एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं जोड़ा है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं गिवन है, वो कहता सिर्फ 80% ऑफ द कंसाइनमेंट उसने सेल कर दी थी, तो 80% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट वो हमने वैल्यू निकाली है दैट इज 45000। ठीक है, तो कंसाइनी अगर सेल करता था, सेल की एंट्री बाय साइड पे इंक्लूड करते थे, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट तो सीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा फॉर द अमाउंट ऑफ सेल्स बाय द कंसाइनी, कितनी सेल्स की है कंसाइनी ने, दैट इज 45000 का सामान उसने सेल ऑफ कर दिया है। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया था 45000 का सामान उसने सेल ऑफ कर दिया था।
अब आगे गिवन है, इसमें जो सेल किया था 300 वर प्रूव्ड बैड. मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दो एक कमीशन थी, दैट वाज द डेल क्रेडर कमीशन. और डेल क्रेडर कमीशन में हमने क्या लिखा था कि जब भी डेल क्रेडर कमीशन दी जाती है तो अगर कोई बैड डेट्स होते हैं तो दैट बैड डेट्स या दोज बैड डेट्स विल बी इंकर्ड या विल बी बॉर्न बाय द कंसाइनी. कंसाइनर उन बैड डेट्स के लॉस को इंकर नहीं करेगा या उसको बॉर्न नहीं करेगा. ठीक है, तो कंसाइनर उसको बियर नहीं करेगा अगर उसने डेल क्रेडर कमीशन अपने कंसाइनी को दे दी है. तो अभी के लिए मैं 300 जो बैड डेट्स हैं उसको स्किप कर रहा हूं. आगे देखते हैं क्या उसको डेल क्रेडर कमीशन दी है या नहीं दी है. ठीक है, कमीशन के बारे में बोला गया है 5% नॉर्मल कमीशन है एंड 2.5% डेल क्रेडर कमीशन है. ठीक है, तो कमीशन की एंट्री कंसाइनर के लिए खर्चा है तो टू साइड पे, और कंसाइनी को दिया गया है तो पहले एक बार इसके नाम से एंट्री डाल दी जाएगी. सीज अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ कंसाइनीज कमीशन. कितनी वैल्यू है कंसाइनी के कमीशन की? दो तरह की कमीशन दी गई है. नॉर्मल कमीशन दैट इज 5%. अगर आपको ध्यान हो 5% किस वैल्यू का? टोटल सेल्स का. नॉर्मल कमीशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स. तो 45,000 का 5% कैलकुलेट कर देते हैं, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2250. ठीक है जी, उसके बाद आपको बोला गया है डेल क्रेडर कमीशन भी दी गई है, और डेल क्रेडर कमीशन कितनी दी गई है? दैट इज 2.5%. तो 2.5% ऑफ, ये भी हमने डिस्कस किया था, टोटल सेल्स पे ही दी जाती है. तो 45,000 का 2.5% करते हैं 2125, ये उसकी कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, तो दो तरह की कमीशन उसको दी गई है, नॉर्मल कमीशन एंड दी डेल क्रेडर कमीशन. तो दोनों को हमने यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा दिया है. ठीक है जी, चलिए अब एक चीज हमें दी गई थी कि जो बैड डेट्स हैं वो कितने हैं, 300 रुपीज के बैड डेट्स हैं. ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या इस 300 की एंट्री हमें इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है. डेल क्रेडिट क्वेश्चन, डेल क्रेडिट कमीशन इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, मतलब कंसाइनर ने कंसाइनी को ये कमीशन पे किया है. तो हमने बोला है कि ये कंसाइनर इस लॉस को बेयर नहीं करेगा, तो नहीं बेयर करेगा इसका मतलब उसकी एंट्री भी नहीं डालेगा. कंसाइनी अपनी बुक्स में जब भी पीएनएल बनाएगा वहां उस एंट्री को इंक्लूड कर लेगा, कंसाइनर इस एंट्री को इंक्लूड करके नहीं दिखाएगा. अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ना दी गई होती और फिर भी क्वेश्चन में बैड डेट्स होते तो आपने क्या एंट्री डाल देनी थी? टू साइड पे लॉस है उसके लिए, तो टू बैड डेट्स, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 300. और ये एंट्री तब डालती अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन जो गिवन है वो ना गिवन होती. ठीक है जी, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो इस एंट्री को हम यहां पर स्किप कर देंगे. तो इसको हम एज इट इज ऑल टुगेदर इग्नोर करके दिखा देंगे. ठीक है, ये एंट्री हमें इंक्लूड नहीं करनी है. ठीक है जी, तो आगे देखें और क्या है. ठीक है, बस ये चीजें आपको दी गई हैं. तो अब एक चीज हमें खुद से, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, खुद से कैलकुलेट करनी होगी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. तो देखें क्या कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा. अब उसको जो भी गुड्स ट्रांसफर किए गए थे उसमें से 80% ऑफ द कंसाइनमेंट कंसाइनर ने बेच दी थी, तो इसका मतलब है 20% ऑफ द कंसाइनमेंट स्टिल रिमेन्स अनसोल्ड विद द कंसाइनी. तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक विल बी दैट इज 20% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट. और इसके लिए मैंने आपको समझाया था एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे और उस वर्किंग नोट से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है जी, चलिए तो मैं एक बार वर्किंग नोट को डिस्कस करता हूँ. ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं जो हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए करना है. ठीक है, वर्किंग नोट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ यूनिट्स में नहीं है, वैल्यूज में है. दैट इज 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट. तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट कितनी थी? 56250. उसका 20% हम कैलकुलेट कर देते हैं, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. और ये चीज आईपी है तो इसका मतलब कॉस्ट की जगह यहां हम आईपी इंक्लूड करेंगे. तो 56250 उसका 20% दैट इज 11250. ये हमारी इनवॉइस प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसमें अगली चीज जो हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ, ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. ठीक है, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हमें इसमें इंक्लूड करके दिखाने होते हैं. अब कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस कितने गिवन है? 3000 रुपीज. तो उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा कर देते हैं. तो 3000 टोटल एक्सपेंसेस है, प्रोपोर्शनेट मुझे पता है कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, दैट इज 20%. तो डायरेक्टली 20% अप्लाई करते हैं तो 600 रुपीज
एक कंसाइनर के प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज में ना गिवन हो, फ्रैक्शंस में गिवन हो सकता है कि 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, तो वहां से हमें 1/5 मिल जाएगा, तो परसेंटेज की जगह 1/5 अप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है तो यूनिट्स में गिवन हो सकता है, तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप उसको, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं कि टोटल यूनिट्स के लिए क्या वैल्यू थी या क्या एक्सपेंसेस थे, कि जो भी यहाँ यूनिट्स होते हैं उसके लिए खर्चा था, तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के लिए प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखा दी जाती। नेक्स्ट जो हमने ऐड करना है, दैट इज प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नॉन रिकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, और नॉन रेकरिंग में हमने क्या बात की थी कि एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द गिवन कंसाइनमेंट, उसको हम नॉन रेकरिंग बोलते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपकी, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ये सारे आपके नॉन रेकरिंग की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यहां पर देखें हमारे पास कंसाइनी के खर्चों में क्या गिवन है, एक आपको दिया गया है सेलिंग एक्सपेंसेस और एक आपको गिवन है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था कि अगर अदर एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस गिवन है और एक्सपेंसेस का नेचर स्पेसिफाइड नहीं है, तो वी अज्यूम ऑल द गिवन एक्सपेंसेस एज द रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब यहां पर क्या है, आपको क्वेश्चन कहता है कि टोटल एक्सपेंसेस वर 1500 आउट ऑफ विच द सेलिंग एक्सपेंसेस वर 450। पहले हम सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, क्या ये रेकरिंग होते हैं या नॉन रेकरिंग होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस आर द रेकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, वो पर्टिकुलरली उसी सामान को अपने गोडाउन तक लेके जाने के लिए खर्चा नहीं है, तो इसको हम रेकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो टोटल में से उसने एक रेकरिंग एक्सपेंसेस को अलग करके दिखा दिया है, तो इसका मतलब जो अदर एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है वो बताना चाहता है कि वो आपके नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता कि अदर एक्सपेंसेस आर 1500, तो वी वुड हैव अज्यूम कि जो गिवन 1500 के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। पर यहां टोटल में से उसने रेकरिंग पार्ट को अलग कर लिया है, तो बचा हुआ जो बाकी दूसरा हिस्सा है उसको वी अज्यूम कि ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए, तो नॉन रेकरिंग का प्रोपोर्शनल हिस्सा करना है, तो दोबारा से 1050 उसका प्रोपोर्शन, दैट इज 20%, तो 210 रुपीज ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं, तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ जाएगा 11250 प्लस 600 प्लस 210। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है, दैट इज 12060। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग विद द कंसाइनी। तो जो हमने वैल्यू निकाली है इसको हम क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा देते हैं। ठीक है, और ये चीज हमने जो कैलकुलेट की है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी एंट्री हम इनवॉइस प्राइस पर डालेंगे उसके ऑपोजिट साइड पे उसका प्रॉफिट हमें कैंसिल ऑफ करके दिखाना होगा। जैसे गुड्स एंड आईपी की एंट्री थी तो रिवर्स साइड पे उसका प्रॉफिट हमने कैंसिल करके दिखाया था। सेम ऐसे ही अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आईपी पे है तो उसके रिवर्स साइड डेबिट साइड पे आपने इसके प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्लूड करके दिखाना है, और उसके लिए एक नाम हम यूज करेंगे, दैट इज द स्टॉक रिजर्व। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है उसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो हमें रिवर्स साइड पे कैंसिल ऑफ करके दिखा देना है। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन, प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है या इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, दीज टू आर दी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट हिस्सा है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। प्रॉफिट सिर्फ किस में इंक्लूडेड है, प्रॉफिट सिर्फ इस वैल्यू में, इनवॉइस प्राइस ऑफ द पोर्शन वाले वैल्यू में इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान रखना है, कभी आपने टोटल वैल्यू को यूज नहीं करना है स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए, आपने सिर्फ इनवॉइस प्राइस वाले हिस्से को यूज करना है उसमें प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, इनवॉइस प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस इज 11250, प्रॉफिट दिया गया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। अब देखें क्या डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट है, गिवन भी इनवॉइस प्राइस है तो डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11250 का 20%, दैट इज इक्वल टू 11250 इंटू 20%, ये हमारी वैल्यू आ जाती है 2250 की। तो इसकी एंट्री हम टू साइड पे इंक्लूड करके दिखा देंगे, वैल्यू इज 2250। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। अब हमें सिर्फ इस अकाउंट को बैलेंस करना है
और बैलेंसिंग फिगर एज अ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर देना है। तो देखें क्या वैल्यू आनी चाहिए, 11250 प्लस 45,000 प्लस 12060 माइनस 56250 माइनस 3000 माइनस 1500 माइनस 2250 माइनस 11250 एंड माइनस 2250। तो हमारे प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है, तो टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, दैट इज 1935 रुपीज। तो ये मेरा लेजर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसाइनर की बुक्स में जो पहला लेजर बनाना है, दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ऑन दिस गिवन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो जनरली इसमें जो एंट्रीज हैं, गुड सेंट, अगर आईपी पे है तो उसकी प्रॉफिट की एंट्री रिवर्स साइड पे कैंसिल करनी है, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनीज कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक अगर आईपी पे है तो उसका प्रॉफिट, और रिजल्टिंग हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी द प्रॉफिट और द लॉस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक डिस्कस किया था कि कंसाइनर की बुक्स में एक जो अकाउंट बनता है दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। एक छोटा सा अकाउंट आपने और बनाना होता है कंसाइनर की बुक्स में, दैट अकाउंट इज द कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है। तो कंसाइनीज अकाउंट एक छोटा सा अकाउंट और आपने बनाना है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां कंसाइनी कौन है, सी है, तो सीज अकाउंट बनाना है, ठीक है, बनेगा वही इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही, ठीक है। तो सी का अकाउंट कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जहां जहां सी का नाम लिखा था रिवर्स साइड पे उसकी पोस्टिंग कर देनी है, बाय सीज अकाउंट। तो टू साइड पे ले आते हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट जितनी उसने सेल्स की थी और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वॉज 45,000 रुपीज। टू साइड पे चलें, टू सीज अकाउंट, तो बाय कंसाइनमेंट, ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट जितने उसने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस उसने इंकर किए थे 1500 रुपीज के। टू सीज अकाउंट फॉर हिज कमीशन, तो बाय कंसाइनमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ कमीशन, टोटल कमीशन कितनी बन जाती है हमारी 3375, ठीक है। तो ये हमारी कमीशन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सी के नाम से जितनी भी एंट्रीज है वो मैंने यहां पर इंक्लूड करके दिखा दी है, और एंट्रीज क्वेश्चन में जो गिवन हो सकती हैं ध्यान रखना है, बाय कैश, बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक या बाय बीआर। अगर कंसाइनी कंसाइनर को कोई कैश पेमेंट करता है एज एडवांस या नॉर्मल कैश पेमेंट, या थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट या चेक के थ्रू करता है तो बाय बैंक, या एक बिल लिख के देता है, ठीक है, क्योंकि कंसाइनी ने जो सेल्स की हैं तो लायबल है कि कंसाइनर को इतना पैसा उसने ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो उसमें से जितना पैसा वो ट्रांसफर कर देता है एज एन एडवांस या ऑन द क्लोजर ऑफ द कंसाइनमेंट, उसकी एंट्री हमें कंसाइनीज अकाउंट में बाय साइड पे इंक्लूड करके दिखानी है। कैश देगा तो कैश, बैंक ड्राफ्ट, चेक देगा तो बाय बैंक, बिल लिख के देगा तो बाय बीआर। तो यहां क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एडवांस बाय द कंसाइनी वाज, ठीक है, एडवांस गिवन बाय द कंसाइनी वाज 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, ठीक है, 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस देखा तो उनके दिमाग में आता है ये टोटल इनवॉइस प्राइस था, ठीक है, इसका निकालते हैं 50% और एडवांस की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाए जाते हैं। ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होगा कि 50% या इतना परसेंट ऑफ द इनवॉइस प्राइस। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि जितना सामान वो बेचेगा उतना ही पैसा इकट्ठा किया होगा, तो उसी में से उसने कुछ एडवांस उसको आगे कंसाइनर को ट्रांसफर किया होगा। तो जब भी सिर्फ इनवॉइस प्राइस गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आपने खुद से लेकर चलना है दिस इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। तो गुड सोल्ड हमारे कितने थे 45,000, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ हमारी गुड सोल्ड की वैल्यू बन जाती है दैट इज 45,000 रुपीज। तो एडवांस कितना हुआ हमारे पास, इसी 45,000 का 50% दैट इज 22,500 रुपीज। तो ध्यान रखना है इसका 50% नहीं करना, सेल्स की इनवॉइस प्राइस का 50% एडवांस में आपने डाल देना है, ठीक है। तो 22,500 हमारी एडवांस पेमेंट बन गई है, कैश उसने पे किया था तो बाय कैश के नाम से ये एंट्री हम यहां पर इंक्लूड करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस अकाउंट को हम बैलेंस ड्यू के नाम से बैलेंसिंग करके दिखा देंगे, ठीक है, कि इतना पैसा उसने इकट्ठा किया था फ्रॉम सेल्स। कंसाइनर कहते हैं अपने खर्चे काट लीजिए, अपनी कमीशन काट लीजिए, जो आप दे चुके हैं
वो कट गया है, बाकी बैलेंस अभी भी मैंने आपसे लेना है, ठीक है। तो साइलेंट है तो बैलेंस ड्यू लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ही पेड द बैलेंस अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक या बिल, तो सेम वही चीज, कैश होगा तो बाय कैश, बैंक ड्राफ्ट या चेक होगा तो बैंक, बिल होगा तो बीआर। तो शायद इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ही पेड द बैलेंस अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश प्राइस, तो बैलेंस ड्यू नहीं लिखते हैं, इसको बाय कैश लिख के अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। तो देख लेते हैं कितना आता है। तो दिस इज 45,000 माइनस 1500 माइनस 3375 माइनस 22,500, तो हमारा बैलेंस आ जाता है 17625। तो ये एक छोटा सा कंसाइनीज अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, ठीक है। तो जनरली 15 मार्क्स के क्वेश्चन में यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं सॉरी कि प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। तो ये दो अकाउंट्स हैं जो कंसाइनर के बुक्स में हमें प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि व्हेन द गुड्स वर सेंट बाय द कंसाइनर टू हिज कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। थैंक यू।